यह वीडियो बहू के लिए है। बहू सबके साथ ठीक रहती है ससुराल में आने के बाद, पर उसको परेशानी सिर्फ सास के साथ आती है। जो सास हैं वो आपके पति की माँ हैं, यानी हम अगर दूसरी तरफ भी देखें, किसी को माँ का दर्जा भी दें, तो भी उनके लिए एक दिल से इज्जत निकलती है। और हर बहू को मैं शुरू में कहूँगी कि इस सोच के साथ ससुराल में मत आओ कि सास का काम तो सिर्फ लड़ाइयाँ कराना होता है। जो आपकी सास है, कम से कम भी लगा लूँ तो आपसे 23-24 साल तो बड़ी होती ही है, तो सबसे पहले तो आपके मन में सास के लिए छोटे बड़े की बोलने की तमीज़ होनी चाहिए। अब वो आपसे बहुत बड़ी हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा ज़िंदगी का अनुभव है, कई बातों का और कई कामों का। अगर वो आपको कुछ समझाती हैं तो सुनो। कभी मम्मी की बात नहीं सुनते थे आप? सुनो, वो गलत नहीं कह रही हैं। जो गलती आप आज कर रहे हो, वो गलतियां वो करके ठीक कर चुकी हैं। वो कहते हैं कि माँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। अगर आज ही सास कुछ बना, आपकी सास कुछ बनाती है और सब उनकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको बुरा क्यों लगता है? वो आपसे बहुत बड़ी हैं, उन्हें कई सालों से खाना बना रही हैं। वो आपसे तो जो खाना बनाएंगी वो टेस्टी ही होगा, परफेक्ट होगा। आप सास को छोड़ो एक मिनट, अगर आपकी कोई चीज़ आप मम्मी और आप बनाते हो तो ज़्यादा टेस्टी किसकी बनेगी? आपका जवाब होगा मम्मी की, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। अगर यही मायके में भाई या पापा आपको कहते हैं कि मम्मी जैसा स्वाद नहीं है, मम्मी जैसा बढ़िया नहीं बना, तो वहाँ तो आपको बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप समझदार हैं और आपको ये समझ है कि इस बात कि अभी आपको कुकिंग में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी आप कुकिंग में परफेक्ट नहीं हो। अगर मैं कहूँ कि आप करेस कंपटीशन 50 साल की लेडीज़ के साथ करवाएं, तो करोगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम 50 की लेडीज़ के साथ क्यों कंपटीशन करेंगे, हम तो अपनी 23-24 साल की लेडीज़ से कंपटीशन करेंगे। तो यही बात आप ज़िंदगी में क्यों नहीं लागू करती? क्यों सास से कंपटीशन करने लग जाती हो? उनका हर काम अच्छा होगा, वो आपसे बहुत बड़ी हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। क्या अपनी मम्मी से मायके में आप लड़ाइयाँ करती थी? तो आपका जवाब होगा नहीं, वो मेरी माँ है, उन्होंने जो बड़ा किया है उन्हें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यही बात सास के लिए क्यों नहीं सोचती कि वो एक माँ है, चाहे वो पति की माँ है। अगर और अगर माँ का दर्जा भी उन्हें आप देते हैं, तो माँ का दर्जा बहुत ऊँचा होता है। उनके प्यार से, उनसे प्यार से बात करो, उनसे मुकाबला मत करो। जब आप मुकाबला करने बैठ जाते हो, वहीं जाके लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। शायद अब भी शाही से पहले आपके पति आते थे तो माँ को बुलाते थे, माँ पानी लेकर आती थी या कुछ भी हल्का फुल्का लेकर आती थी। तो आज भी अगर वो पहले माँ को मिलते हुए आप बाद में आपके रूम में आते हैं और फिर फ्रेश होने के बाद फिर माँ के पास बैठ जाते हैं, तो आपको बुरा क्यों लगता है? वो माँ है उनकी। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। अगर आपको शादी के बाद 10 दिन के लिए मायके भेज दिया जाए, तो क्या बहुत बड़ी हो गई हैं? तो आज भी आप माँ के सामने अपना बचपना दिखाएंगी, माँ की गोदी में सिर रख कर सोने का मन करेगा, बस माँ ये ले आओ माँ वो ले आओ कहने का मन करेगा। वो शादी के बाद आपसे अगर हस्बैंड कुछ माँ से पूछते हैं, तो आजकल की बहुएँ क्यों कहती हैं, कब बड़े होगे, कब तक माँ के पल्लू से बंधे रहोगे? तो बहुत गलत बात है। अरे वो बड़ी हैं, उनको समझ है कि आपने अपनी माँ से आप सलाह नहीं लेती हैं। बड़ों से तो सलाह लेनी भी चाहिए, क्योंकि वो गलतियाँ करके ठीक कर चुके होते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है, वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं। जो सास हैं वो माँ के समान हैं, उनके लिए ऐसा कहकर कि माँ के पल्लू से कब तक बंधे रहोगे,
ऐसा कहकर आप अपने पति की नज़रों में गिर जाएंगी। अरे वो शादी करके आपको इसलिए थोड़ी ना लाया कि आप उनकी माँ से उन्हें बात ही करने मत दो। अरे वो बड़ी हैं, आप भी समझदार बनो, आपकी भी माँ हैं, उनकी गाइडेंस लो, अपनी गृहस्थी चलाओ, उनके हिसाब से समझो। आजकल छोटे छोटे परिवार हैं, सच कह रही हूँ, सासू माँ बड़ी हैं, उनकी इज्जत करो, प्यार से बात करो, अगर बीमार ही पड़ी है उनको दवाई दो। पता नहीं आपको कितनी दुआएं देंगी, शायद आप सोच भी नहीं सकते। माँ बाप की दुआओं में रहो। देखो आप अगर आप सास की ससुर के मतलब दिमाग में रहोगे तो पता नहीं आपकी हस्बैंड कैसे आगे तरक्की करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सब अच्छा होता रहेगा, कोई परेशानियां नहीं आएंगी आपकी ज़िंदगी में। सास आपको तंग करेगी ही नहीं, क्योंकि आपने उनको ऐसा करने का कोई मौका ही नहीं दिया। आपने उनके मन, आप उनकी इज्जत करती हैं, उनका कहना मानती हैं, उनसे सलाह लेती हैं, तो लड़ाई का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। जब प्यार से इज्जत से उनके झुककर रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कभी सास बहू की लड़ाई होगी। और वैसे भी आप देखो आजकल छोटा सा परिवार है, आपके हस्बैंड हो गया, उनकी एक बहन होगी, एक भाई होगा, बस सब मिलजुल कर प्यार से रहो, इसी घर में रहना। एक दिन की बात तो है नहीं कि आपको यहाँ एक महीने रहना है, एक महीने रहने के लिए आए हो, आपको यहाँ ज़िंदगी भर रहना है, या आपका ससुराल है। इसलिए प्यार से रहो, बहुत मज़ा आएगा, ज़िंदगी प्यार से कट जाएगी, उसका मज़ा ही अलग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।